रैम्बो निकलिया पिछ बीवी ने गाना गाया तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओ तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। ये गाना तो था पहले बीवी ने अपने शौहर के लिए गाया, अब यही गाना हमने सियासतदानों के नाम कर दिया कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। साथ क्या निभाओगे करके 5 साल पूरे अरे घर को लौट जाओगे। घर को लौट हवाल हवाल नहीं आया, हवा छड़न आया। माफी चाहना चौधरी शिजाज साहब। वो तो डाल देते हैं। आप एक बात तो बताएं, अगर जंग लगी तो आप एटम बम चला देंगे? चलाएंगे और क्या, शमरान पे चलाना है हमें। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। रात को 12 बजे तेरी लाइट जाएगी। भेजने वाले जरा तू भी सुन ले, अगर रात को 12 बजे तेरी लाइट जाएगी मैं पूछूंगा कि तेरे ऊपर क्या गुजरेगी। जिस तरह गरीबों के ऊपर गुजरती है, जिस तरह वो बगैर लाइट के और जब बिजली चली जाती है वो किस तरह अपने बच्चों के साथ अंधेरे में गर्मी में पसीने में किस तरह गुजारा करते हैं। कभी छतों पे जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी कमरों में आते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी हाथ वाले पंखे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गर्मी दूर नहीं होती। और उसके बावजूद उनके घर में जितने लंबे लंबे तुम बिल भेजते हो, अगर तुम्हारे घर में उतना लंबा बिल आए फिर तुझे एहसास होगा, फिर तुझे पता चलेगा ये गरीब किस तरह कमाते हैं, किस तरह बिल जमा करवाते हैं, किस तरह लंबी लाइनों में जाकर लगते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे तेरे घर में भी इसी तरह का लंबा बिल आए और उसको तो जमा करवाने के लिए जाए। तेरे घर में ना एसी हो, ना बिजली हो, ना गैस हो, ना पेट्रोल हो, ना यूपीएस हो, ना जनरेटर हो, और तू लंबी लाइन में जाके खड़ा हो जाए और बैंक के सामने धूप हो, एक लंबी कतार हो, और जब तेरी बारी आए बिल जमा करवाने की और तू बिल जमा करवाए और तुझे पता चले कि तेरी डेट गुजर चुकी है और 400 रुपया तुझे जुर्माना है, जुर्माना देने के बाद जब तू घर आए तेरे घर में सब कुछ कट चुका हो, तू भी गरीबों की तरह तन तनहा बैठा हो और पसीने से तेरे बच्चे शराब पूर हो, और फिर मैं तुझसे कहूँ गर्मी में पसीने से, गर्मी में पसीने से अरे तुम भी भीग जाओगे। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। कैसे है गाड़ियों में चूल्हे में नहीं आती, कैसे है गाड़ियों में चूल्हे में नहीं आती, कैसे है गाड़ियों में। ये किस तरह की गैस की तकसीम कर दी कि चूल्हे से निकाल के गाड़ियों में डाल दी। हाँ।
और किस तरह सीएनजी किटें लगवा दी रिक्शे के अंदर, तो ऐसे लगता है जैसे तू बड़ी अम्मा खाना पकाने की तैयारी कर रही हो। और मोटरसाइकिल एक रक्षा जी बैठा जी उसका सिलेंडर पाट गया, उदों दा पागल होया है। किस तरह से गैस को तूने तकसीम कर दिया, ड्राइवर बेचारा डरता रहता है कि अगर सिलेंडर फट गया ना मैं कहीं पहुंच पाऊंगा ना सवारी कहीं पहुंच पाएगी, आखिर ड्राइवर की बेचारे की जिंदगी क्या है? ओ ड्राइवर, ड्राइवर कर दी नहीं, मैं अपनी टैक्सी होई। हेलो, ये और गल हो रही, गैस की बात हो रही है। जब गैस की बात होती है तो बंदे को गैस हो जाती है, 75% बंदों को गैस। अल्लाह, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? चलो शुरू करो। ये कौन है, थ्री थ्री स्टोजेस का बच्चा? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? पेट इतना बढ़ गया है, अरे पेट इतना बढ़ गया है, ध्यान रखना तो हम तो थोक दिता हूं। सन्नाटा। इमरान खान ने देखा कि पंजाब में एक तंदूर होना चाहिए,
तो उसने आवाम की सहूलत के लिए एक तंदूर लगा दिया और कहा रोटी मिलेगी 5 रुपए की। फिर गवर्नमेंट को ख्याल आया, उन्होंने कहा कि यार रोटी हमारे तंदूर पे मिलेगी 2 रुपए की, इधर 5 की इधर 2 की इधर 5 की इधर 2 की। असी किधर जाइए, पठान दी पाई दी रोटी भी मड्डी है। और लोग तंदूरों पे जाना शुरू हो गए, कभी इस तंदूर पे इधर 5 की इधर 2 की इधर 5। बस आलो तो साथ भी गई ना। मैं सदके समझा। एक और है, हो गई। एक कभी इस तंदूर पे जा रहे लोग, कभी इस तंदूर पे जा रहे लोग। 5 की और 7 की ते नान कितने का आएगा बेकी सुनना। नान पाए ना अपना जफरी भाई, जिवें सूट दी सिलाई नहीं महंगी हो गई भाई। नानों की बात है तो हलीम वाले से पूछो। बाबा मेरे पीछे छड़े आया। और लोग कभी इस तंदूर पे जा रहे, कभी उस तंदूर पे जा रहे, तंदूरों पे जा जाके लोगों की हालत खराब हो गई और आखिर लोगों के मुंह से निकल गया तंदूरी नाई 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 ऑर्डर से ज्यादा है ना सूट सीधे करन लिया। तंदूरी नाई तंदूरी नाई तंदूरी नाई तंदूरी नाई तंदूरी नाई। एक मिनट चोई साहब कोई गल कर। बड़ी मेहरबानी। कुछ नहीं होया, मारदा पिया। इतनी बिजली जा चुका ना ही बक कर देते। तंदूरी नाई तंदूरी नाई तंदूरी नाई तंदूरी नाई तंदूरी नाई तंदूरी नाई। औरतों ने औरतों के कपड़े फाड़ दिए। औरतों ने औरतों के कपड़े फाड़ दिए। आटे की लाइन में हो गई फाइट। तंदूरी नाई तंदूरी नाई तंदूरी नाई। सोचो पाकिस्तान की खैर तो मानो। तुम पाकिस्तान के लिए बने हो, तुम्हें तुम्हारी माओ ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए पैदा किया है। तुम लीडर क्यों बनते हो? तुम इसके बेटे क्यों नहीं बनते? इस मुल्क की हिफाजत क्यों नहीं करते? इस पाकिस्तान की खैर क्यों नहीं मांगते? तुम्हें पूरी दुनिया की नजरें इस मुल्क पर लगी हुई हैं। सब कहते हैं कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, लेकिन खुदा की कसम सच्चा मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो जाओ। इस मुल्क के सिपाही बन जाओ, इस मुल्क के फौजी बन जाओ और सरहदों के ऊपर खड़े होकर इसकी हिफाजत करना शुरू कर दो। जब तुम इसके सच्चे सिपाही बन जाओगे, फौजी बन जाओगे, फिर पूरी दुनिया तुमसे डर जाएगी, खौफ खाएगी और खुद कहेगी कि हम सब हैं रॉन्ग और पाकिस्तान है राइट। रोटी बनाती जा।